सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कैटाकॉम्स। सो आज जो हम चीज डिस्कस करेंगे वो है शी जिनपिंग का हाउस अरेस्ट। ये न्यूज तो बहुत से लोगों को पता चल ही चुका होगा कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में लिया गया है, और इसका प्राइमरी जो रूट कॉज जो सब लोगों को लगता है कि हाँ इसका ही ये रीजन हो सकता है, वो है चाइना का इकोनॉमी को डैमेज होना। सो ये सारा स्टोरी स्टार्ट होता है 2019 से, जब चाइना की इकॉनमी में एक बहुत बड़ा टंबल आया, और टंबल आने से उनकी इकॉनमी को काफ़ी ज़्यादा हार्म हुआ। अभी आप देख सकते हैं कि उनका जो रियल स्टेट मार्केट के ऊपर ट्रिलियंस डॉलर्स का उनको लोन आया हुआ है, उनको बहुत डैमेज हो रहा है इस चीज़ के वजह से। तो इस चीज़ से रिकवर करना भी चाइना के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर जगह से लोग लोन को डिफॉल्ट करते जा रहे हैं। लोकल जो सबर्ब्स वाले लोग हैं, जो विलेजर्स लोग हैं, जो वहाँ पे अभी आके लोन लेकर काम करके, जो इन लोगों ने लोन्स उठाए हुए थे घर खरीदने के लिए, ड्यू टू दिस रिसेशन दे आर हैविंग अ वेरी बैड टाइम। सो इस वजह से चाइना को काफ़ी ज़्यादा इश्यूज आ रहे हैं, और इन सब के पीछे अगर किसी एक इंसान को अगर आप पिन पॉइंट करना चाहते हैं तो वो पॉलिसीज हैं शी जिनपिंग की। सो ये इशू स्टार्ट होता है 2019 से, जब चाइना के इकॉनमी को बहुत बड़ा टंबल हुआ। और अगर इसका रूट कॉज देखा जाए और रीजंस ढूंढने जाया जाए तो उसमें से पता चलता है कि हाँ, चाइना का एक बहुत क्लियर माइंडसेट रहा है कि यूएस को डिथ्रोन करना और अपनी इकॉनमी को एज अ सुपर पावर की तरफ प्रोजेक्ट करना। इसलिए ये जितने भी छोटे नेशंस होते हैं या वो कंट्रीज हैं जिनके पास उतना पैसा नहीं है, उनको हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट पर लोन देना, और लोन देने के बाद उनको पता है कि उनके रेट ऑफ इंटरेस्ट इतने ज़्यादा हाई होते हैं कि वो कंट्रीज उन्हें कभी भी पे अप कर ही नहीं पाएंगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे जिम्बाब्वे या फॉर एग्जाम्पल जैसे श्रीलंका हो गया, ये कंट्रीज कुछ ऐसे हैं जिनके पास उतने पैसे ही नहीं हैं, क्योंकि ये लोग बहुत एम्बिशियस चीज़ों को डिज़ाइन कर लेते हैं जो कभी भी प्रॉस्पर्स हो ही नहीं सकता, जो कभी भी उतना रिटर्न जनरेट ही नहीं करेगा। और एट द एंड जब चाइना को वो पैसा नहीं मिलता है तो चाइना उस बेसिस पे उनसे उनका लैंड हो गया या उनका कुछ एरिया हो गया या उनके पोर्ट्स हो गए, वो उनको एक्वायर कर लेता है, जिससे वो अपना मिलिट्री जो एफर्मेशन है उसको बढ़ा सकें। सो ये कंसर्न्स होने के बाद, अगर सब लोगों ने अभी आपने नोटिस किया होगा कि कोरोना के टाइम के बाद से ही शी जिनपिंग ने कभी भी चाइना छोड़ के कोई भी मीटिंग्स अटेंड नहीं की है, कहीं भी कोई फॉरेन टूर नहीं किया है, पर लोगों का ये कहना है कि एसओसी की मीटिंग पर जाना इतना ज़रूरी क्यों था। अगर चाइना ये एसओसी की मीटिंग पर नहीं जाता तो इंडिया इस चीज़ के ऊपर अपना एक बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड बना लेता, जो चाइना कभी भी मान नहीं सकता, क्योंकि चाइना के जो इश्यूज अभी ताइवान के वजह से चल रहे हैं, और जितना भी प्रेशर, वर्ल्ड प्रेशर जो उन्हें यूएस से मिल रहा है, बाकी कंट्रीज से मिल रहा है कोविड के बाद से, उसके बाद से चाइना काफ़ी ज़्यादा तक हिला हुआ है। सो शी जिनपिंग की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है वो चाइना को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। कोई भी नेशन इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। अभी रिसेंट में ही जब क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हुई थी और जब चाइनीज एम्बेसी के लोग उनको वहाँ विजिट करना चाहते थे तो उन लोगों को वहाँ से भी मना कर दिया। सो ये एक चाइना के नेम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बड़ा एक ब्लैक स्पॉट आया है, जो चाइनीज़ जो हायर मैनेजमेंट है वो नहीं हैंडल करना चाहते, और जस्ट बिकॉज ऑफ एक पर्सन के हायर एम्बिशंस के ऊपर से। सो इस चीज़ के ऊपर ये माना जा रहा है कि ये सारे रूट कॉज हो सकते हैं शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट करने के लिए और एक मिलिट्री कू करने के लिए। मिलिट्री क्रू में एक बहुत बड़ा पॉइंट जो एक हाईलाइट हुआ है, जो इस सब्जेक्ट को बहुत हायर कर रहा है, कि एक जनरल को जिसे शी जिनपिंग ने अपने ही मिलिट्री काउंसिल से बाहर किया था, वो एक हायर मिलिट्री मीटिंग में वो अपियर हुआ, वो मीटिंग अरेंज कर रहा है, वो मीटिंग में बैठा हुआ है, पर शी जिनपिंग वहाँ नहीं थे। सो ये कुछ साइंस हो सकते हैं कि जहाँ पर ये माना जा सकता है कि हाँ, शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट में लिया गया है, पर यहाँ अभी भी कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है और इसके ऊपर आने में भी टाइम लगेगा। तो जो पहला जो कंसर्न है, तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट को मैं एक छोटे छोटे पार्ट्स में जो हाईलाइटेड हुए हैं उनमें मैं इनको इजीली समझाने की कोशिश करता हूँ कि क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जैसे मैंने फर्स्ट समझाया, जो 2019 में जो इकोनॉमी का जो टर्बुलेंस आया जिसके वजह से चाइना को बहुत करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। सेकेंड थिंग, इस चीज को काउंटर करने के लिए जो लोगों के एजम्पशन है कि कोरोना वायरस का जो ओरिजिन हुआ वो सिर्फ और सिर्फ चाइना की वजह से हुआ, टू डीस्टेबलाइज द होल वर्ल्ड थ्रू दिस, तो ये चाइना के ऊपर बहुत ज़्यादा बैकफायर हुआ, क्योंकि अभी तक भी लोग जो स्मॉल वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, वो आज भी सफ़र कर रहे हैं, जिनको जितने भी वैक्सीन्स हैं वो इंडिया प्रोवाइड कर रहा है या वर्ल्ड के दूसरे नेशन से प्रोवाइड कर रहे हैं।
इस वजह से कितने ही सारे छोटे छोटे कंट्रीज हैं जिनके सर्वाइवल की बात आ चुकी है, क्योंकि वहां पर लोन रेट बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, मिलिट्री अनरेस्ट हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं, और इसका बहुत प्राइमरी रीजन है कोरोना वायरस, जिसके वजह से जितने भी स्मॉल नेशन हैं वो वर्ल्ड बैंक के पास आके लोन मांग रहे हैं। तो इस इन सब चीजों के वजह से, और जितना भी चाइना की जो एक्सपेंशन पॉलिसी है, जैसे अभी उसके रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इंडिया के साथ, ताइवान के साथ, और ताइवान के साथ जो मैटर वो इतना लेवल पर एस्केलेट हो चुका है कि यूएस फ्रंट में आके कह रहा है कि अगर ताइवान के साथ वॉर होता है तो वो यूक्रेन की तरह उन्हें सिर्फ अपना सामान, मिलिट्री एसेट्स या मिलिट्री एड्स देके सप्लाई नहीं करेंगे, मिलिट्री जो यूएस की है वो ताइवान को डिफेंड करेगा। सो ये एक बहुत बड़ा ह्यूज स्टेप है जो चाइना को एक पॉलिटिकल वे में, वर्ल्ड वे में बहुत ज्यादा हैम्पर कर रहा है, जो चाइना के जो टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है वो नहीं चाहते, जस्ट बिकॉज कि एक इंसान का एक्सपेंशन पॉलिसी की वजह से वो चाइना को ऐसे डूबते हुए नहीं देखना चाहते। और चाइना के जितने भी हायर मैनेजमेंट है, हायर ऑफिशियल्स हैं, वो भी जानते हैं कि चाइना कभी भी किसी के साथ वॉर में नहीं जा सकता। ठीक है, उनके पास आर्म्स एंड आर्सेनल ज्यादा है, पर उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी में जमीन आसमान का डिफरेंस है। सो ये एक प्रॉब्लम है, और ये उनको रियलिटी पता है। सो वो कभी भी वॉर लड़ने नहीं जाएंगे, और अगर वो कभी भी किसी भी कंट्री के साथ वॉर लड़ने चाहते हैं तो ये प्रोमिनेंटली एक थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरह प्रॉम्प्ट करेगा, जो सारे ही ग्लोबल लीडर्स प्रॉम्प्ट कर चुके हैं कि चाइना विल बी द फर्स्ट कंट्री हु विल बी स्टार्टिंग द वर्ल्ड वॉर अगर शी जिनपिंग को रोका नहीं गया तो। सो ये सारे एक छोटे छोटे रीजंस हैं जिनके वजह से शी जिनपिंग के हाउस अरेस्ट के कॉन्सेप्ट को बहुत ज्यादा हवा मिल रही है। जितने भी मीडिया चैनल्स हैं, स्पेशली इंडियन मीडिया चैनल्स हैं, वो उनको बहुत ज्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, पर इसके ऊपर अभी भी ग्लोबल टाइम्स जो उनका स्पोक्स पर्सन है चाइनीज मीडिया का, अभी तक उसने कुछ भी कंफर्म नहीं किया है वेदर वो लोग भी मिलिट्री के अंडर हैं, तो इसके ऊपर कुछ कहा नहीं जा सकता है। पर ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिससे एक नॉर्मल लोगों को समझ में आ सके कि ऐसा हो क्यों रहा है। आई होप मैंने अपना बहुत बेटर ट्राई किया है कि आपको समझाने के लिए। अगर इसके ऊपर कुछ भी और अपडेट आता है, वी विल शेयर विद यू। थैंक यू गाइस, एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू लाइक दिस वीडियो।